तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भले ही अक्टूबर नवंबर तक का लक्ष्य रखा गया हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के लिहाज से समय पर चुनाव हो पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म होने के चलते उत्तराखंड में भी राजनीतिक दलों के बीच में आने वाले निकाय चुनाव को लेकर बेकरारी दिखाई दे रही है। उधर चुनाव के लिए आरक्षण तय करना, चुनावी कार्यक्रमों पर भी नूरा कुश्ती अब शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव हो चुके हैं, उत्तराखंड में इंतजार हो रहा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर अब बहस हो रही है, राजनीतिक बहस। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि राज्य में अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान नगर निकाय चुनाव होने प्रस्तावित है, इसलिए अधिकारियों के स्तर पर होमवर्क भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के लिहाज से बचे हुए समय में नगर निकाय के चुनाव पूरे करवा पाना मुश्किल दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में अभी नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण पर कोई फैसला नहीं हो पाया, लिहाजा सबसे पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की जाएगी, उसके बाद ही चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की जा सकती है। राज्य में अक्टूबर नवंबर तक ऐसे में यह प्रक्रिया पूरी हो पाना अधिकारियों के स्तर पर होमवर्क करने का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन क्या इतनी आसानी से यह सब कुछ हो जाएगा? अब इसी को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। पहले रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने में नगर निकाय के चुनाव पहले से ही प्रस्तावित हैं, लेकिन कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार चुनाव से बचने के बहाने तलाश रही है। कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार चुनाव कराने के फिलहाल पक्ष में नहीं है। जिस तरह से हालात इस राज्य में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हार का डर सरकार और बीजेपी को अभी से सता रहा है। तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव आयोग को अपना काम करना है, जैसे ही तारीख का ऐलान होगा वैसे ही साफ हो जाएगा कि जनता बीजेपी के साथ है। और जहां तक बात रही कांग्रेस के आरोपों की, तो ये सारे बेबुनियाद आरोप हैं। मुझे लगता है कि ये निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि इनकी सर्वे के हिसाब से जो रिपोर्ट्स आई थी उसके आधार पर कैंटोनमेंट के चुनाव पीछे किए गए। अब निकाय चुनाव आने से ठीक पहले कुछ आदेश जिले अधिकारियों के लेवल से हुए हैं, जिसमें कैंट के सीईओ से ये पूछा गया है कि आपकी कौन सी सिविल एरियाज कैंट से बाहर करके हमने नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में मिलानी है, और उनकी जनसंख्या क्या है। तो निश्चित इस चीज़ से कुछ संकेत इस तरीके के मिल रहे हैं कि चुनाव टाले जा सकते हैं, क्योंकि माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं। हमारी सरकार हर समय चुनाव है, जो चुनाव की तिथियां जो है वो चुनाव आयोग तय करता है। इसमें एक आयोग बना हुआ है हमारा, चुनाव आयोग, और वही तिथि तय करता है। जब भी चुनाव आयोग तिथि घोषित करेगा हम तुरंत चुनाव करा देंगे। कोई भी चुनाव हो हम हर तरीके से तैयार हैं। केवल विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। उनका तो अगर उनके समय में कहें तो किस प्रकार से उस समय चुनाव, जब चुनाव आयोग के बातों की भी अवहेलना की जाती थी, वो उस समय का अपने समय का देखें। लेकिन हमारी सरकार हर समय चुनाव आयोग जब भी कहेगा हम तुरंत उसमें चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव की तारीख को लेकर सूबे की राजनीति अब तेज हो गई है, जहां भाजपा के नेता चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता सरकार पर निकाय चुनाव से बचने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार निकाय चुनाव की तारीख कब तक मुकर्रर करती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सवाल यही कि क्या वाकई में समय पर नगर निकाय के चुनाव हो पाएंगे? सवाल अपने आप में बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर चुनाव से सरकार बच रही है, हार के डर से सरकार बेचैन है। क्या वाकई में ऐसा है? सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, गरिमा दसोनी कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक हैं,
हमारे साथ उमा सिसोदिया जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। क्यों लग रहा है आपको कि सरकार निकाय चुनाव से बच रही है, वजह क्या है और समय पर नहीं हो पाएंगे, क्यों? दो तीन बातें हैं। एक तो कर्नाटक चुनाव और कर्नाटक चुनाव से पहले हिमाचल चुनाव, इनको जिस तरह का करारा तमाचा लगा है और जोर का झटका जरा धीरे से लगा है, उसके बाद से भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। और जिस तरह की विपक्षी एकता मंच पर दिखाई पड़ी, उससे भी इनकी रातों की नींद हराम है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो प्रदेश के हालात पर, प्रदेश में इस संवैधानिक सरकार के खिलाफ या कहें तो भाजपा सरकार के खिलाफ एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है। न युवाओं के लिए कुछ किया, उल्टा उन पर लाठीचार्ज कर दिया। न किसानों के लिए कुछ किया, न उनकी नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिया, न गन्ना किसान का समर्थन मूल्य। वही महिलाओं का उत्पीड़न, अपराध की श्रेणी में महिलाओं का लगातार जो रैंकिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो लगातार जिस तरह से यहाँ प्रदेश में चुनाव की जो स्थिति है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निकाय चुनाव बहुत जरूरी है। अगर निकाय चुनाव में ये अच्छा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा। इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद क्या लगता है आपको? अगर आप कह रहे हैं कि ये करवाना नहीं चाह रहे तो उसके पीछे बहाना क्या लगता है आपको? देखिए, परिसीमन बहाना है, आरक्षण बहाना है, बहुत सारी चीजें। तो बहाना बनाने में तो फर्स्ट है भाजपा, और ये पॉजिटिव नहीं चलते, इनका सकारात्मक मोड नहीं होता है। हाँ। इनका नकारात्मक होता है। वोटर लिस्ट में से कैसे कांग्रेसियों को कम किया जाए, इस तरह से जो है आरक्षण में इस तरह का आरक्षण दिया जाए जहां कांग्रेस के कमजोर लोग हैं, कहां हमारे मजबूत लोग हैं, ये उसी चक्रम में लगे रहते हैं। क्योंकि तो चुनाव को खाते हैं, चुनाव को पीते हैं, चुनाव को सोते हैं। 24/7 365 days ये चुनावी मोड में रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है नहीं उतर रही है, कोई मतलब नहीं है इनको कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती दर दर भटके। इनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी ने आह्वान कर दिया महापंचायत का, वहां महिला खिलाड़ियों ने कर दिया है। इनको कोई मतलब नहीं, माताओं बहनों को बेटियों को न्याय मिले, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ लेना देना है तो चुनाव से। ठीक, गरिमा जी, मैंने आपको रोका नहीं टोका नहीं, आपने कहा कि कर्नाटक की हार से ये डर गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 17 के 17 निगम ये जीत गए। नहीं, डेफिनेटली जहाँ ये सत्तारूढ़ दल होता है वहाँ नगर निकाय चुनाव में खूब हैंकी पैंकी होता है, खूब ऊंच नीच होती है। नहीं, सत्ता में तो कर्नाटक में भी थे ये, आई एम राइट? नहीं, मैं कह रही हूँ जब प्रदेश में सरकार किसी पर्टिकुलर पार्टी की होती है तो खास करके भाजपा की, तो उसमें इनकी कोशिश पूरी तरह से रहती है कि ये मोड़ तरोड़ कर पक्ष में करवाएं। लेकिन वहां भी अगर आप नहीं, ये तो जिसकी सरकार होती है उस पर आरोप लगते ही है ना, आपकी सरकार पर भी लगते थे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो 17 के 17 जीते और वहां तो आपको 2% वोट भी नहीं मिले थे। तिलक जी, यहाँ हम उत्तराखंड की बात कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अच्छा, क्यों नहीं, आपने कर्नाटक का जिक्र किया था तो इसलिए मुझे उत्तर प्रदेश लाना पड़ा मैडम। ये अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की चलिए बात कर ले तो नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दलों के पार्षद जीत कर आए हैं वो भाजपा को कहीं आउट नंबर करते हैं। मैडम, विपक्षी दलों में आपकी भूमिका कहाँ थी, मैं वो पूछ रहा हूँ। हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, जहाँ हम बिल्कुल मेलबटा सन्नाटा थे वहां पर आए हैं। आप याद करिए, भाजपा के तो दो ही सांसद थे देश में एक जमाने में। मैडम, तो करत अभ्यास से नहीं करिए, अभ्यास करिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बसीन साहब, ये अक्टूबर नवंबर में नजारे थी वहां आई तो नहीं। एक मिनट गरिमा जी, आपको पूरा मौका दिया, बसीन साहब की बात सुन लीजिए। बसीन साहब, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, आपको लगता है हो पाएंगे? बात कहूँ इससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी बीच में कोई भी जो पैनलिस्ट है, खासतौर पर हमारी कांग्रेस की बहन, वो ना बोल, उनकी बात पूरा ध्यान से सुना और मेरी बात तो जहाँ तक इन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट बोलना चाहिए, जहाँ तक इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट जो बोल रही थी ये पिछले उस समय से बोल रही है जब से सत्ता से बाहर हुई है। लेकिन उसके बाद हमने देखा जनता इनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वास्तविक स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है और जनता का उसको पूर्ण विश्वास है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक चुनाव की तिथियों के बात है, तो जो बात हमने कह रखी है उसके हिसाब से चुनाव कराए जाएंगे और हम बिल्कुल इच्छुक हैं।
और अभी गरिमा जी की बात नहीं, अपने आप में बड़ा भारी विरोधाभास। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जब बात आपसे पूछी तो उन्होंने कहा जिसकी सरकार होती है वो जोड़ तोड़ करती है, यानी कि उसके पास एक एडवांटेज रहता है। तो उत्तराखंड में भी तो भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, तो आपकी बात तो खुद ही कट जाती है। जब आपकी बात कट जाती है तो यानी कि हमें चुनाव कराने चाहिए। वसीम सर, हम सर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे? जी बिल्कुल चुनाव होंगे, उसके पहले नहीं। नहीं, चुनाव तो होंगे वो तो तय है, लेकिन अक्टूबर नवंबर, क्योंकि मैं बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी। लेकिन बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए, मैं फिर अक्टूबर नवंबर में चलाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या होना है। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे? देखिए अक्टूबर नवंबर की जो तारीखें हैं वो अपने आप में पूर्व घोषित है। वर्तमान में आयोग के सामने केवल ओबीसी के आरक्षण का मसला है। नहीं 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 सर, सर 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 सर, केवल ओबीसी के आरक्षण का मसला नहीं है, मसला परिसीमन का भी है। मैंने कहा ना आपसे, ये कुछ बिंदु है जो आयोग ने तय करने हैं, सरकार ने नहीं करने। मैं तभी आपसे बार बार जोर लगा के पूछ रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक दूंगा ना इसके पीछे। ये लॉजिक मेरा नहीं है, ये लॉजिक अजय भट्ट जी का था, ये लॉजिक जो है आप ही के बड़े बड़े नेताओं का था, जब निकाय चुनाव में जब मांग कर रहे थे आप लोग, जब विजय बहुला जी और हरीश रावत जी की सरकार के वक्त, कि क्यों नहीं करवा रहे, ये भाग रहे हैं। ये पहली बार नहीं सुन रहा, इसलिए मैं लॉजिक दूंगा सर। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, नवंबर अक्टूबर में चुनाव होंगे लगता है आपको? हमारी अपनी तैयारी बिल्कुल अक्टूबर नवंबर के हिसाब से है, सरकार भी तैयार है, हमारा संगठन भी तैयार है, केवल आयोग के आदेश की प्रतीक्षा है। और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से, गरिमा जी ने कोई स्वीकार कर लिया, हम तो 24/7 चुनाव बोर्ड में रहते हैं, ये तो कार्यकर्ता इकट्ठा करेंगे अपना, लेकिन हमारे पास तो नीचे तक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। ठीक, और तो भी ठीक, गरिमा जी जल्दी से आप, फिर उसके बाद उमा जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए भसीन जी ने कुछ स्वीकार कर लिया, ये चुनावी मोड में रहते हैं, इनको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है, इनको जनता के उद्धार से कोई मतलब नहीं। मैं बात कर लूँ भसीन जी, मैं बात कर लूँ भसीन जी, अब देखिए किसने दो का कौन बोला बीच में। हाँ, तो मैं बताना चाह रही थी, ये लोकल चुनाव है जिनकी बात आप कर रहे थे तिलक जी। अब लोकल स्तर पर स्मार्ट सिटी के नाम पर 6 साल से धोखा हो रहा है, उसके अलावा ऑल वेदर रोड के नाम पर धोखा हो रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नाम पर धोखा हो रहा है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के नाम पर धोखा हो रहा है, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, सी प्लेन, ये सारे जो है दिखावटी, इनके जो झुंझुने हमें पकड़ाए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि लोकल चुनाव लोकल इश्यूज पे होते हैं, और लोकल इश्यूज की अगर बात करें तो भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है। गड्ढा भरने का ऐप अब आया है, जब हफ्ते भर में बरसात का आगमन होने वाला है तो गड्ढा भरने का ऐप लाए हैं, उसमें भी पीडब्ल्यूडी विभाग बिल्कुल कमर नहीं हिलाएगा, वो कुर्सी गर्म करेंगे, सबके सब मोटी तनख्वाह लेंगे, जनता इनको गड्ढे बताएगी कि हमारे आ जाइए, गड्ढे यहाँ हो रखे, गड्ढे भरिए। ठीक ठीक, चुनावी मोड में तो रहना भी चाहिए राजनीतिक दलों को। अब भैया चुनावी मोड में नहीं रहेंगे तो फिर राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन हटा के फिर अपना एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाइए। खैर मस्ता उमा जी, क्योंकि गरिमा जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही, मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन। पिछली बार मैंने सुना था एक प्रत्याशी ने कहा था कि देहरादून से हरिद्वार तक मैं मेट्रो ट्रेन चला दूंगा, मैं पूछा कैसे, बोले वह चल जाएगी भाई। तो खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव वक्त पर हो पाएंगे? देखिए जब भी निकाय चुनाव आते हैं लगातार मीडिया में चर्चा का यही बाजार गर्म होता है कि क्या समय पर चुनाव होंगे। मुझे याद आ रहा है कि 2018 में भी हम लोग इसी तरह मीडिया में बैठते थे और चर्चा करते थे कि चुनाव समय से होंगे या नहीं होंगे। कई बार तो बड़े हार्श डिस्कशन भी हो जाता था हमारा और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में, लेकिन चुनाव तो हुए। देखिए लोकतंत्र है हमारे सरकार हमारे देश में, तो सरकार चुनाव से पीछे नहीं भाग सकती। एक महीना या 15 दिन या 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा जितनी कोशिश हो सकती है थोड़ा बहुत डिले कर सकती है। और मैं समझती हूँ कि निकाय का जो चुनाव है वो सीधा सरकार के हाथ में है, मतलब सीधा सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है निकाय के चुनाव में, और ऐसे में सरकार के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर होता है कि हम ये चुनाव ना हारें और हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो। और इस समय जो स्थिति, खासतौर पर मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ, हमारी चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, मशीनरी वहां पर व्यस्त है, बरसात होगी, बरसात में जो गड्ढा ऐप है उसमें पता चल जाएगा कि कितनी शिकायतें आएंगी गड्ढा ऐप में, उसके बाद उनको वो भरने के लिए भी टाइम चाहिए ताकि जनता को सड़क पर लिपा पोती करके दिखा सकेंगे, देखिए आपने गड्ढे बताए थे तो देखो हमने भर दिए हैं, तो उसके लिए सरकार को थोड़ा सा टाइम चाहिए, लिपा पोती करने के लिए भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। तो वही टाइम इस समय सरकार ले रही है, चुनाव तो होंगे लेकिन आपको लग रहा है अक्टूबर नवंबर में नहीं हो पाएंगे?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर नवंबर में हो पाएंगे, कम से कम एक महीना तो एटलीस्ट ढीले होंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ना, बरसात ही हमारे सितंबर में खत्म होती है तो अक्टूबर में तो गड्ढे भरे जाएंगे, उसके बाद फिर सिर्फ फुटाफट होगी कि भी मेयर का टिकट किसे दिया जाए। गामा जी बिल्कुल लेने के मूड में बैठे हैं, दूसरी जनता उनको देने नहीं देगी, बाकी जो नेता है बीजेपी के। तो बहुत सारे अंदरूनी कारण है जिससे कि अभी सरकार को निपटना है, ये सारे निपटेंगे तब कहीं जाके चुनाव का नंबर आएगा। ठीक है, आपकी बात, जहाँ पर चार बर्तन होंगे आपस में खटकेंगे, लेकिन आपके यहाँ तो मैडम बर्तन भी नहीं है ना। देखिए, हम लोग चुनाव में हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अगर आप फिर मैं अपना वही डायलॉग बोलूंगी कि 137 साल पुरानी कांग्रेस और 90 साल पुरानी जनसंघ से निकली हुई भाजपा का मुकाबला आज एक सबसे छोटे टाइम में बनी हुई राष्ट्रीय पार्टी कर रही है। हम लोग जिस पथ पर हैं, जिस रास्ते पर हैं, उसमें आगे बहुत सारी संभावनाएं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप निकाय चुनाव में ताकत आजमाएंगे? बिल्कुल आजमाएंगे, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी, हम लोग कोई चुनाव नहीं छोड़ेंगे। हमें कितने वोट मिलते हैं, जनता हमें कितना, भले ही आपकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार जाए। नहीं देखिए, हम किसी को ना चुनाव जिताने के लिए यहाँ पर आए हैं, ना हराने के लिए आए हैं। हमारा तो मुकाबला अपने साथ है, हमें पता है कि हमें अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी को आगे लेकर जाना है। हमारी वजह से कांग्रेस हार जाए या बीजेपी हार जाए, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो अपना गणित है मीडिया का। नहीं, अपना गणित नहीं है, गणित इतिहास के पन्नों में दर्ज है मैडम, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, कर्नाटक में आप जीत गए तो क्या हमने हरा दिया कांग्रेस को? कर्नाटक, कर्नाटक नहीं, गुजरात में, गुजरात में आपने जो किया उसमें बहुत बड़ा योगदान। अब गुजरात में राहुल गांधी जी रास्ता ही भूल गए, गुजरात का गए ही नहीं वहाँ पर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आपने भारत जोड़ो यात्रा करी और गुजरात में जब चुनाव चल रहा था वहाँ पे राहुल जी अपनी यात्रा लेकर ही नहीं गए। मैंने तो कई बार इस बात को बोला कि राहुल जी वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो आप कार्यक्रम तय करेंगे क्या उनका? तो ये बात तो आप कांग्रेस से पूछिए ना कि आप लोग, तो आपको इतनी दिलचस्पी राहुल गांधी में दिखाई दे रही है, आप लोग अपना घर अभी ठीक है मैडम? आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया। आप हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता ना। एक मिनट तिलक भाई, आप ये क्वेश्चन कांग्रेस से पूछिए कि मैडम, मैं आपसे तो पूछूंगा ना कि आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हम लोग 100% चुनाव, मैं आपसे वही तो पूछ रहा था, आप राहुल गांधी पे बात ले गई है ना। हम कांग्रेस को हराने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस अपने आप हार रही है, अपने आप जीत रही है। मैं तो बधाई देना चाहूंगी कांग्रेस को कि आप लोग लगातार दूसरा चुनाव जीते, हिमाचल जीते, फिर कर्नाटक जीते, अच्छी बात है। मैं आपको मतलब ये देश का लोकतंत्र है, ये खूबसूरती है कि कभी कोई सरकार हारती है, कभी कोई पार्टी जीतती है, तो हमारा भी नंबर आएगा, जरूर आएगा। हम लोग बहुत आशान्वित है इस बारे में। ठीक, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, एक प्रवक्ता को होना चाहिए। लेकिन वसीम साहब, मेरा मसला थोड़ा कुछ हटके है, ये राजनीतिक तूतू मैम में तो वक्त निकल जाएगा। अभी मैं बोलूंगा गरिमा जी आप बोल दीजिए, फिर गरिमा जी आप पे आरोप लगाएंगे, आप इन पर लगाएंगे और फिर बात खत्म। लेकिन मेरा मसला और मेरी चिंता थोड़ी हटके है, क्योंकि आप लोग सभी विद्वान हैं, मैं तो छोटी बुद्धि हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक, उसको मालूम है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा, आरक्षण का मसला हो, परिसीमन का मसला हो, विवाद हर बार होता है, सरकार किसी की भी हो, कोर्ट में कोई भी जा सकता है, प्रक्रिया वही है, तरीका वही है और मेथड भी वही है। तो जो काम हमें 2 महीने पहले या 1 महीने पहले पूरा करना है, वो काम हम 6 महीने पहले क्यों नहीं पूरा कर सकते? मेरी बात समझ रहे हैं सर? मैं समझ रहा हूं। ये परिसीमन और आरक्षण का मसला हम 6 महीने पहले या 8 महीने पहले क्यों नहीं कर, ये रही लिस्ट, और जिसको जाना है, जिसको आपत्ति दर्ज करवानी करवाइए, जिसको कोर्ट जाना चाहिए, ये 8 महीने के भीतर ये प्रक्रिया, अगर आप ये कहें कि 8 महीने का वक्त है और इसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है हमें, तो क्या ये फॉर्मूला हो सकता है या नहीं? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिएगा सर, ये अंत में ही क्यों होता है? मेरा मसला ये है, ये अंत में आकर ही क्यों आरक्षण और परिसीमन पर आकर कहानी अटकती है? ये आपकी सरकार की नहीं है, ये हर सरकार की बीमारी है। जवाब दीजिए सर, गलत सवाल तो नहीं है? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें गलती कहीं नहीं है, निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया के तहत काम हो जाने चाहिए और आगे टालने का कहीं मन भी नहीं होना चाहिए और ना हमारा मन है। हम चाहते हैं कि कुछ समय पर चुनाव हो, लेकिन एक स्थिति ये भी है कि आयोग का अपना एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र काम करने का तरीका है और अभी आयोग में बदलाव भी हुआ है। लेकिन जो आपकी चिंता है वो अपने आप में सही है, लेकिन नहीं, ये मेरी चिंता नहीं है सर। अब जो आरक्षण का मसला है वो तो 6 महीने पहले अगर पूरा हो जाए दिक्कत क्या है? जिसको कोर्ट जाना है, अगर गरिमा जी को जाना जाए कोर्ट, आपत्ति दर्ज करवानी करवाए, उमा जी को करवानी करवाए, आपके अपने करवाए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर ऐसा हो जाए तो सर फिर किसकी गलती है? तो निश्चित तौर पर ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर यस, मैं यही सुनना चाह रहा था, ये काम हो जाना चाहिए ना।
हो जाना चाहिए, हमेशा हो जाना। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ सर? लेकिन मैंने कहा ना कि आयोग के अपने काम करने का तरीका है सर, ये मतलब ठीक है, यही यही बात है गरिमा जी, ये पॉइंट है कि नहीं जब मालूम है समस्या आएगी। जो बात आप कह रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन है, और भाजपा की ना कभी मंशा रहती है ना नियत रहती है कि वो नियम कायदे कानून से चले, वो संविधान से चले, वो लोकतांत्रिक तरीके से चले। यहाँ तो जितने विरोधी स्वर हैं सबको कुचलने की तैयारी हो रही है। एक उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में हरिद्वार के अंदर धर्म संसद की जाती है और नफरती भाषण दिए जाते हैं, यहाँ आकर इनकी नेत्रियां, चाहे वो साध्वी प्राची हो या कोई और हो, तमाम तरह के आप देखिए कि आतंकी किस्म के, जो आतंक फैला दे, जो जो नफरत उस पर करेंगे, निकाय चुनाव पर रहते ना। मैंने कहा कि ये बीमारी तो हर सरकार में रही, नहीं रही, ये हमेशा इनकी कोशिश रहती है। मैडम आपके सरकार के वक्त भी यही हालात थे, ये लास्ट मिनट पर आरक्षण लाएंगे, ये लास्ट मिनट पर आप भी लाते थे। मैं बिल्कुल नहीं तिलक जी, हमारे समय पर कम से कम लोकतंत्र और संविधान जिंदा थे, यहाँ तो रोज हत्या हो रही है। मैडम अब ये गरिमा जी जो बात कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं बसिन साहब, फिर मैं आ रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपने के अंदर झूठ शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, तो झूठ बोल रहे हैं पहली बात। दूसरा इनके समय में निश्चित तौर पर यही बात होती रही, और लोकतंत्र कहते तो कांग्रेस ने करी है, प्रदेशों की चुनावी सरकार को गिराने के लिए करते हैं, और तमाम समय तक इन्होंने केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या करी है, और प्रदेश के अंदर मजारों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान से जोड़ करके निर्माण का भी जो है सहयोग करते हैं, तो ये तो विचित्र प्रकार की पार्टी है। ये कर्नाटक में इनका कुछ और स्टैंड होता है, यहाँ कुछ और बोलते हैं, कभी यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात शुरू कर देते हैं, तो तुष्टिकरण की राजनीति है, कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। लेकिन ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, और वो हमें लगातार विधानसभा चुनाव में दोबारा जिताया, इसका लोकसभा चुनाव में हमको दोबारा जिताया, हमारे उपचुनाव में हमको दोबारा जिताया, हरिद्वार में जिला पंचायत में हमको दोबारा जिताया, कांग्रेस को साफ कर दिया। अब वो कुंठा इनके अंदर है, सत्ता से बाहर रहने की परेशानी है इनके साथ में, इससे परेशान हो रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड घटता रहता है कांग्रेस प्रवक्ताओं का, उसका जनता पर कोई असर नहीं होता। हम काम के आधार पर जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, और कांग्रेस जिस प्रकार से हाथ के ऊपर है उस प्रकार से ही जनता हाथ के ऊपर है। हम चुनाव के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन चुनाव के मामले में जितनी अधिक गड़बड़ी कांग्रेस करती है तो और नहीं करती है। कर्नाटक के दृश्य भी हमारे सामने आ रहे हैं, और आप तो आप बताते हैं टमाटर टमाटर बहुत बोलती है, हमारा वोट परसेंटेज कहीं नहीं गिरा। कर्नाटक के जीत के कारण वही है, उत्तराखंड में पैदा करना चाहते हैं। तो कर्नाटक में आप उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंटेज होता वो यथावत है, उससे कोई गिरावट नहीं आई है। आपका बड़ा है और कारण पूरा देश समझ रहा है क्यों बड़ा है, इसलिए आप चिंता करते हैं, इस प्रकार की बातें ना करें, आपको लोकतंत्र की हत्या करते हैं। विषय भटक रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उमा जी उमा जी उमा जी उमा जी उमा जी अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए, सबको देना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए, जनता तय करेगी। एक मिनट एक उमा जी जी तिलक भाई, मैं तो उस प्रक्रिया पर हूं, मैं फिर वहीं पर मेरी सुई वहीं अटकी हुई है कि अगर आप मेरे साथ दिक्कत यह है कि जहां मेरी सुई अटक जाती है वो अटक जाती है। जब आपको वही प्रक्रिया वही मैथक वही होमवर्क सब कुछ करना है तो आप 6 महीने पहले पूरा क्यों नहीं कर लेते, मैं वहीं अटका हुआ। देखिए तिलक भाई, एक भ्रष्टाचार होता है अकर्मण्यता का भ्रष्टाचार कि आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, और खास तौर पे बीजेपी सरकार का तो ये फॉर्मूला रहा है कि जब बिल्कुल सिर पर ओले पड़ने लग जाए, जब बिल्कुल लास्ट डेट आ जाए, बिल्कुल आखिरी टाइम आ जाए, उस समय फिर ये काम करने के लिए भागते हैं। आप ये बताइए, एक स्थिति होती है नेताओं के बीच में, एक चर्चा होती है कि भाई 5 साल के लिए चुने गए, भाई 5वें साल में काम करेंगे, 4 साल आराम करते हैं, 4 साल तक कुछ काम ही नहीं होगा, 5वें साल में फिर ये सड़कें बनाने के लिए निकलेंगे, नालियां बनाने के लिए निकलेंगे, खड़ंजे ठीक करने के लिए निकलेंगे। ये स्थिति हमारे हिंदुस्तान में है, मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को कहूंगी, एक तरह से ना नेताओं की स्थिति बन गई है। विधायक भी जीतेंगे तो 4 साल रेस्ट करेंगे, 5-6 साल में लोग काम के लिए निकलेंगे, वही स्थिति यहाँ पर सरकारों की है। तो ये मतलब जब आखिरी डेट आ जाएगी, जब लगेगा कि अब बिल्कुल सिर पे आ गया, अब हमें जनता को कुछ काम दिखाना है, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि आपस में बात करते हैं कि भाई शुरू का किया हुआ काम जनता भूल जाती है, 5-6 साल में काम करेंगे तो जनता को दिखाई देगा,
अब अगर ऐसी स्थिति हमारे जननायक सोचते हैं और वो पैदा करते हैं हमारे हमारे क्षेत्रों में अपने अपने जो उनका अपना जो विधानसभा क्षेत्र है या जो उनका अपना कार्य क्षेत्र है उसमें, तो ऐसे में जनता क्या करे? इसलिए ये लोग लेट हो जाते हैं उस समय काम करने के लिए। ना तो आपकी जो हमारे अधिकारी हैं उन पर कोई नकेल है। नकेल किस लिए हो? क्योंकि मंत्री जी को तो खुद ही नहीं पता कि उनको टाइम से काम पूरा करना है। अगर मंत्री जी को पता हो टाइम से काम पूरे होने हैं तो वो अधिकारियों पर भी नकेल कसेंगे, उनसे भी फाइलें मांगे, उनसे भी जवाब तलब करेंगे। प्रॉब्लम वही आती है कि आखिरी साल है, कर लेंगे आराम से, जनता को लास्ट साल के ऐप में जो गड्ढे भरे जाएंगे वो दिखाई देंगे, इससे पहले का नहीं दिखाई देगा। नहीं, तो ये जो मानसिक स्थिति इन लोगों की, नपनायक, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है। त्राही माम हो गया पूरे उत्तराखंड में, ठीक, पूरे गड्ढे और ये सब गरिमा जी जो बात कह रही है, सारे मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे विपक्ष के नाते फिर, लेकिन नपना एक होना चाहिए। जब इतना त्राही माम है तो जनता को तो दौड़ दौड़ कर आपको वोट डालना चाहिए, मेरी बात को समझिएगा, है कि नहीं? फिर नपना ये नहीं, फिर बाद में की नहीं, ये तो सरकार के प्रभाव में था जी, हम क्या करें। फिर उसके बाद तो ये तो ईवीएम हो गया, हैक हो गया और फिर ये हो गया, फिर उस पैमाने पर रहिए कि नहीं। हाँ, फिर नपना एक होना चाहिए। चुनाव के टाइम पर बात दीजिएगा, मैं फिर कहती हूँ कि जनता बदलाव चाहती है तो जनता बदलाव, मैं तो कह रहा हूँ मैडम, अगर जनता बदलाव चाहती है तो ये बदलाव दिखाई दे ना वोट में। तो भाई साहब ये बताइए ना, इनके बीजेपी वालों के पास कहाँ पर पूर्ण राज्य की सरकार है? खाली है गुजरात में आई है, कोई यहाँ पर आई है उत्तराखंड में? मैडम, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो ये पैमाना नहीं है अपना, तो वहाँ पे भी है ना, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, यही प्रक्रिया है और इसी तरह चुनाव होता है देश के भीतर। तो फिर नपना एक रखिए ना कि भैया हाँ ठीक है, ये मुद्दे हैं, हमने उठाए, जनता ने स्वीकार किए, किए नहीं किए ना किए, जिसको किया उसको वोट दिया। फिर अब लोकतंत्र को और या फिर जनादेश को गाली मत दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। हम तो कभी जनादेश को गाली देते ही नहीं। हाँ, तो फिर अगर जीत स्वीकार है तो हार भी स्वीकार करिए। चावला जी 3.5% उत्तराखंड में वोट आया, मैंने हमेशा बोला कि जनता ने हमें बता रहा है, जितना जनता ने हमें मतलब अच्छी बात है, आपके 3.5% वोट आए, अपने संगठन और अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको मजबूत करेंगे। मैडम, आप ही की पार्टी के नेताओं ने आपके ऊपर ही आरोप लगाया ना कि कैंडिडेट बीजेपी के घर से फाइनल हुए, मैंने तो नहीं लगाए थे ना। एक मिनट, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, एक बात मुझे प्रकाश पंत जी की याद आ गई इसलिए जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि गरिमा जी ने कहा कि नहीं हमारे टाइम पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये हर सरकार का रहा, लेकिन एक विषय यह भी था और हकीकत है जो छूट गया था पहलू, कि जितने भी मामले आते हैं परिसीमन में या आरक्षण में, गरिमा जी हो सकता है कि कोर्ट में ना जाएं, उमा जी कोर्ट में ना जाएं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि बसीन साहब आपके घर का ही कोई चला जाए कोर्ट में, मेरी बात समझ रहे हैं ना, आपके घर का ही कोई कोर्ट में चला जाए और जाके कहे कि भैया नहीं रोक लगाइए इस पे, ये बैलॉट ठीक नहीं है। गलत उदाहरण तो दिया बसीन साहब, होता है ना ऐसा जी? होता है ना, ईमानदारी से बताइएगा। हाँ, क्यों नहीं होता है, सब होता है। होता है ना सर जी? होता है ना, क्यों नहीं होता है? हाँ, लोग जाते हैं। हमने तो जो देखा सर, हमने तो वही बोला, हम इधर उधर की बात ही नहीं करते, जो देखा जो बताया आपके नेताओं ने कि ऐसा भी होता है, तभी तो हमें पता चला कि ऐसा भी होता है। सुना ना उमा जी, गरिमा जी, होता है, इसीलिए मैंने कहा अक्टूबर नवंबर में चुनाव अगर हो जाए समय पर तो समझिए देवभूमि पर जो है आशीर्वाद है, बाकी सब कुछ भला चंगा, ऑल इज वेल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब, आपका भी, उमा जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या समय पर होंगे निकाय चुनाव, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।